नामांकन के बाद जब पत्रकारों से बातचीत की, रोजगार, पानी, सड़क और स्मार्ट सिटी के नाम पर वसूले जा रहे टैक्स के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इसके अलावा विभा पटेल ने भोपाल को राष्ट्रीय राजधानी तर्ज पर विकसित करने की बात कही है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। मैंने ये नामांकन आज दाखिल किया है। हम लोग कांग्रेस का संगठन, भोपाल की जनता, दोनों के जरिए चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा रहेगा कि भोपाल को एक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कैसे बनाया जाए। आज भोपाल में जिस तरह से ऊपरी सड़कें हैं, पानी की समस्या से जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे शहर का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जा रहा है। आज हमारी और जनता अपनी समस्याओं के हल के लिए जगह जगह भटकती है। हम कांग्रेस पार्टी का ये पूरा प्रयास है और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि आने वाले समय में जनता हमें जब आशीर्वाद देगी तो हम न केवल यहाँ भोपाल को सुव्यवस्थित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्सों को कम करेंगे, बल्कि हम हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी पहल करेंगे। सांची विकासखंड के दीवानगंज हायर सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक शाला